69th BPSC प्रीलिम्स का पेपर 30 सितंबर को हो चुका है और आज है 3 अक्टूबर, तो अभी भी बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे होंगे ऑफिशियली आंसर की का। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने अपने पेपर को मिला लिया होगा, जो भी यूट्यूब पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने आंसर की अपलोड की है। तो अब लगातार ये दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि सर इसकी कट ऑफ का क्या रह सकता है। तो देखिए, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर पर या फिर कितने लोग ने पेपर दिया है। तो इस बार कैंडिडेट कम थे बीपीएससी में, और दूसरे दो तीन रीज़न और थे कि एक बार एक तो यूपीपीसीएस का मेंस चल रहा था, तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं 3-4-5 हज़ार वो उसमें लगे हुए थे। दूसरी चीज़, यूपीएससी का मेंस अभी कंप्लीट हुआ था, तो उसमें भी जो कुछ सीरियस कैंडिडेट थे उनकी तैयारी नहीं थी बीपीएससी की, इसलिए वो नहीं जा सके। तीसरा एक बड़ा फैक्टर है, जो राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम था वो जस्ट नेक्स्ट डे था, यानी कि 1 अक्टूबर को था। तो बहुत सारे लोग राजस्थान के या फिर हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली वगैरह के जो छात्र बिहार जाना चाहते थे वो राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से कट ऑफ पर मतलब प्रभाव पड़ेगा। एक और जो बड़ा एक रीज़न है जो बताया जा रहा है कि इस बार पेपर का लेबल पिछले के मुकाबले बहुत ज़्यादा शिफ्ट यूपीएससी की साइड को हुआ है। तो जिस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हमारी टीम ने भी पेपर को एनालाइज़ किया और देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन वो रिपीटेड हैं यूपीएससी से, जैसे कि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट यूपीएससी से पूछे गए थे, और जो कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे वो घटना चक्र आधारित क्वेश्चन नहीं थे, वो एक ऐसे मतलब क्वेश्चन थे जो आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ जानकारी बहुत ज़्यादा उसमें काम आ नहीं रही थी। क्लियर है? तो आप चलिए देखते हैं किस कैटेगरी कट ऑफ कितनी रह सकती है या कि फिर कितना स्कोर जो है सेफ रहेगा आपके मेंस के लिए। तो जिससे क्या, देखिए 2-4-5 क्वेश्चन का अभी भी जो फाइनल आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें चेंज होना ही होना है, हर बार का होता है और हर कमीशन का होता है। कुछ क्वेश्चन बाद में मतलब डिलीट भी कर दिए जाते हैं जिसके नंबर सबको मिलता है, कुछ कभी कभी होता है किसी को नहीं मिलता नंबर। तो चलिए देखते हैं कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो पहले बात कर लेते हैं हम जनरल कैटेगरी में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो इस बार अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ जो रह सकती है वो आपका, मान लो किसी के अगर 84 क्वेश्चन सही हैं, 84 क्वेश्चन, इसमें प्लस माइनस में 2 कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, यानी कि 82 वालों को भी सिलेक्शन हो सकता है और 84 के ऊपर जो हैं उनका तो सिलेक्शन है ही। तो मान के चलो कि इनका प्रीलिम्स ये सेफ स्कोर है 84, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3 नंबर और नीचे जा सकते हैं, वो डिसाइड करेगा आंसर कीपर कि कुछ क्वेश्चन पे जो आयोग मतलब क्या आंसर मानता है उनका, क्योंकि कमीशन कुछ और मान के चल रहा है अभी, मतलब सॉरी ये कोचिंग सेंटर कुछ और मान के चलते हैं, मतलब कमीशन कुछ और कर देता है, तो जिसमें सबके गलत हो जाते हैं वो। क्लियर है? अगर फीमेल कैटेगरी में देखा जाए यहाँ पर, तो फीमेल कैटेगरी में अगर किसी के 77 है तो 77 प्लस माइनस 1 कर लो इसमें, अगर किसी के वो सेफ है वो। वहीं पर अगर बात की जाए EWS कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की, तो इस EWS कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की अगर किसी के 79 क्वेश्चन सही हैं, 79 या फिर 80 क्वेश्चन सही हैं, तो अपने आप को सेफ जोन में मान के चले हो 79 या 80 क्वेश्चन। वहीं पर अगर फीमेल की बात की जाए तो यहाँ पे 76 के प्लस में जिसका भी है, 75 मान लो, 76 मान लो जिसका है वो सेफ है एकदम। वहीं पर अगर बात करते हैं हम SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में अगर फीमेल के किसी, अगर मेल के, सॉरी ये मेल है, अगर मेल कैटेगरी के किसी में 72 माइनस 1-2 हो ही सकता है, बट 72 तो सेफ स्कोर है, हम यहाँ पर देख रहे हैं सेफ स्कोर कितने पे है। अगर फीमेल कैटेगरी में 63 प्लस हैं इसके, किसी कैंडिडेट के 63 प्लस हैं तो वो सेफ स्कोर है ये 63। अगर ST कैटेगरी देखी जाए मेल में, तो मेल में ST कैटेगरी का स्कोर जो है अगर किसी का 68 आ रहे हैं मेल में, 68 क्वेश्चन, तो सेफ है। और वहीं पे अगर देखा जाए, अगर इसका फीमेल का देखा जाए तो फीमेल का और मतलब कम कर लो 60 क्वेश्चन पे, फीमेल का सेफ है इसमें। अगर बात करते हैं EBC कैटेगरी की, EBC कैटेगरी में अगर कोई मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट के अगर किसी के सपोज करो 77 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं तो वो सेफ कैटेगरी में है वो। अगर फीमेल में बात की जाए EBC कैटेगरी में, तो 70 प्लस जिसके हैं वो सेफ है वो। क्लियर? अब लास्ट बच गया हमारा OBC कैटेगरी में कितने पर सेफ रहेगा। OBC कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट है वो, तो मेल कैंडिडेट के अगर 80 क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो सेफ है एकदम, और फीमेल कैटेगरी में 75 प्लस पे सेफ है, 75 कहें या फिर
80 मतलब 76 का है, तो ये फीमेल कैटेगरी ओबीसी में मतलब सेफ स्कोर है 75 प्लस, मेल में कितना बताया 80। ये हमने सारी कैटेगरी का डिस्कस कर लिया। हो सकता है कि इससे एक दो क्वेश्चन और मतलब ये कि डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए एक दो क्वेश्चन और, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ऑफिशियली आंसर की पे कितने क्वेश्चन को इसने क्या माना है। ठीक है, तो ये कट ऑफ का एनालाइज था, मतलब बहुत सारे मतलब दोस्तों से संपर्क करने के बाद में और ये कुछ सर्वेक्षण करने के बाद में कट ऑफ डिसाइड करी गई है। तो इतनी कट ऑफ पर आप मान के चलें सेफ हैं आप। तो अगर जिसका इनसे ऊपर आ रहा है तो भाई मेंस की तैयारी के लिए लग जाए। अब ये नहीं कह रहे कि हमारे हम करा रहे हैं मेंस की तैयारी, हमारे मतलब उसमें कोचिंग पर लगे, हमारे इस पर चैनल पर ज्वाइन करें, कहीं से भी करें आप मेंस की तैयारी पर अभी से लग जाएं। हम इतना करेंगे जो जो हॉट टॉपिक हैं हॉट टॉपिक में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे, एक एक दिन में दो दो टॉपिक पर हम कंटेंट देंगे आपको। जिस तरीके से जैसे सपोज करो कि फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, एक दिन में दो टॉपिक करा देंगे उससे, या फिर जैसे कि करंट अफेयर के कुछ टॉपिक जो हैं जैसे G20 हो गया, SC हो गया, एक दिन में करा देंगे उसको दोनों टॉपिक, तो वहाँ से क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। या कुछ UPSC के PCS के जो भी मेंस हुए हैं मेंस के पेपर को डिस्कस कर देंगे वहाँ पे, या और जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर का टॉपिक हो गया, या फिर बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, उसकी क्या संभावनाएँ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ऐसे टॉपिक को हम एक एक दो दो मतलब उसमें करके वीडियो में करके कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको मेंस के लिए कहीं से भी आपको फैक्ट या डेटा निकालने की जरूरत ना पड़े, इसी से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इतना काम हम आपके लिए कर देंगे, जिससे कि होगा ये कि आपको जो है कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने की है और आप इजीली, और कुछ जो नए बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स पहली बार होगा तो उनके लिए भी हम पूरा तरीके से अच्छे से मेंस का कराएंगे, जिससे कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।